नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। इमली की मीठी चटनी समोसे, कचौड़ी और हर चाट के साथ में खाई जाती है। घर में बनी हुई इमली की मीठी चटनी बाजार की इमली की मीठी चटनी से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हाइजीनिक भी होती है। आज हम इमली की मीठी चटनी बनाएंगे, तो आइए देखें इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इमली, ये 200 ग्राम इमली ले लिए हमने। एक कप इमली और एक कप चीनी, गुड़ भी ले सकते हैं, तो जो हमें पसंद हो, गुड़ या चीनी दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। किशमिश, एक चौथाई कप किशमिश। छुआरे, 5-6 छुआरे ले लिए, पानी में भिगो लिए हैं हमने छुआरे 5-6 घंटे पहले। काला नमक 3/4 छोटी चम्मच। सादा नमक 1/2 छोटी चम्मच। छोटी इलायची 6-7। गरम मसाला 1 छोटी चम्मच और लाल मिर्च 1/4 छोटी चम्मच से कम। इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले इमली को, एक कप इमली है तो 2 कप पानी में हम इसे रात भर के लिए भिगो देंगे, पूरे ओवरनाइट 8-10 घंटे के लिए इमली को भिगो देंगे। तो ये इमली हमने पहले से भिगा कर रखी है, ये पूरी रात भर इमली भीगी रही है, तो ये भीगी हुई इमली हम यूज़ कर लेंगे। और अब हम इस इमली को थोड़ा सा उबाल लेंगे, इसके बाद हम छान करके इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये इमली हम उबलने रख देते हैं और जैसे ये अच्छे से नरम हो जाएगी हम इसे छान लेंगे। ये इमली में उबाल आ रहा है, इमली नरम हो गई है, बहुत जल्द नरम हो जाती है क्योंकि हम इसे रात में ही भिगो के रख देते हैं, तो काफ़ी कुछ तो वो नरम पहले से ही है। थोड़ा सा हमने उबाल लिया है, 5 मिनट काफ़ी है इसके उबलने के लिए। तो ये इमली हमारी उबल गई है, गैस बंद कर देंगे और अब हम छान करके पल्प निकाल लेंगे। तो स्टील की छलनी में हम इस तरीके से छान करके पल्प निकाल लेंगे। ये पल्प हमने निकाल लिया है और ये 1 कप पल्प निकल आया है। अगर हम इमली नहीं ले, अगर पल्प यूज़ कर रहे हैं तो 1 कप पल्प ले सकते हैं। इस पल्प में हम ये चीनी डालेंगे और 1 कप पानी डाल देंगे। और अब हम इसे पकने के लिए गैस पर रख देंगे। चीनी खुल जाए और चटनी अच्छे से गाढ़ी सी लगने लगे तब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक हम अभी डाल देते हैं, दोनों नमक और लाल मिर्च। चटनी में चीनी घुलने तक और उबाल आने तक हम इसे पकने देते हैं और तब तक हम ये इलायची का पाउडर बना लेते हैं छील करके, और छुआरे भी बारीक बारीक काट लेते हैं। ये छुआरे हमने पतले पतले काट लिए हैं। उबाल आ रहा है चटनी में, चटनी में हम किशमिश भी डाल देंगे। और गरम मसाला भी डाल देंगे और चटनी को अब गाढ़ा होने देते हैं। तो गाढ़ी होने तक हम देख लेंगे, टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि चटनी में हमारी 2 तार मतलब चिपकने चाहिए हाथ से, तो वो अभी गाढ़ी होने देते हैं और फिर चेक करते हैं। ये छुआरे भी डाल के मिला देते हैं। ये चटनी अच्छी गाढ़ी हो गई है, हम इसे चेक कर सकते हैं। तो प्याले में अगर हम चटनी की 1-2 ड्रॉप डाल दें और ठंडी होने के बाद उंगली से टच करें और देखें तो इसमें हमारा 1 तार बनने लगा है। हमारी ये चटनी बनके तैयार हो गई है। गैस बंद कर देंगे और अब हम चटनी में इलायची पाउडर डाल के मिला देंगे। इलायची पाउडर सबसे बाद में डालते हैं ताकि इसकी महक ज़्यादा से ज़्यादा चटनी में बनी रहती है।
इमली की चटनी तैयार है। इमली की चटनी को समोसे, कचौड़ी या किसी भी चाट के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठी चटनी खानी है तो चीनी की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। इमली की चटनी बनाकर आप फ्रिज में रख लीजिए और 6 महीने तक खाते रहिए। आप इमली की चटनी बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।